गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनकी सहायता से आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, किसी को कुछ एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए बहुत ही इजी होता है। आप सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके जस्ट बाद जो भी अदर वर्ड होगा वो हम लगा देंगे। और इसके अंतर्गत आज हम 7 या 8 नए वर्ड सीखेंगे जिनकी सहायता से आप कई तरह के सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, सही तरीके से या सही ढंग से। जैसे कि सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। यहाँ हम सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया सिट यानी बैठो, और प्रॉपरली उसके बाद में। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। यदि आप हिंदी में देखेंगे तो ठीक से पहले आया और बैठो बाद में आता है। इस तरह के वाक्यों में जो मतलब मेन वर्ब है वो हिंदी में बाद में दिखेगी और अदर वर्ड पहले दिखेगा। जबकि हम यदि बात करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हम मेन वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लगाएंगे हमारा अदर वर्ड। तो हमने बोला ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली, ठीक से चलो, वॉक प्रॉपरली, ठीक से देखो, सी प्रॉपरली, ठीक से स्टडी करो, स्टडी प्रॉपरली, ठीक से खड़े हो, स्टैंड प्रॉपरली, ठीक से डांस करो, डांस प्रॉपरली। यदि कोई ठीक से कार ड्राइव नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे ड्राइव प्रॉपरली। राइड नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे राइड प्रॉपरली। यदि कोई ठीक से खा नहीं रहा है हम बोलेंगे ईट प्रॉपरली। कितना सरल है, ईट प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, ठीक से चलो, ठीक से बोलो, स्पीक प्रॉपरली, ठीक से लिखो, राइट प्रॉपरली, ठीक से सुनो, लिसन प्रॉपरली, ठीक से पढ़ाओ, टीच प्रॉपरली। अगला वर्ड है दोस्तों इमीडिएटली।